मैं सिंगर कंपोज़र हूं। इससे पहले मेरा गाना चन्ना वे घराजा भी बहुत हिट हुआ, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर मेरा गाना बेबी बैट पजेरो में, वो बहुत हिट हुआ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और मैं चाहता हूं कि दादा साहब फाल्के इतने बड़ी हस्ती हो चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने शुरू की थी, तो ये नेशनल लेवल का अवार्ड है, सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, इतनी अहमियत मिलनी चाहिए और सब लोगों को इतनी तवज्जो देनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश हूँ कि इस अवार्ड में, इस स्टेज पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। पिछले साल भी मुझे इसी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला था, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। मेरा नाम आर्यन खान है और मैं कोरियोग्राफर हूँ, और मुझे काम करने बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। संतोष भाई बहन बताना चाहूँगा, इन्हें कम समय में इतना अच्छा कर दिखाया। अगर एक आर्टिस्ट का सपोर्ट भी होता है तो हम बहुत सी कोरियोग्राफी कर सकते हैं, मुझे वो आज फील हुआ। इन्होंने आप ट्रस्ट करो, दो दिन में ये परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल था, देखिए इनके तरफ से मुझे इतना हेल्प मिला, मैंने दो दिन में ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस किया। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और संतोष भाई और हम लोगों के बीच संतोष भाई को अच्छा लगा होगा। आर्यन बहुत ही हार्ड वर्किंग डांस मास्टर हैं, और उम्मीद करता हूं खुदा से कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और ये बड़े बहुत बड़े कोरियोग्राफर बने, बहुत बड़े आर्टिस्ट बने जिंदगी में। थैंक यू। और हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप है डांस शोज वगैरह और मूवीज कोरियोग्राफी करते रहते हैं, और 10-10 घंटे हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है और उसका ये रिजल्ट है। हालांकि हमें 2 ही दिन मिले थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस छोटे समय के दौरान इतना जो भी अच्छा रिजल्ट आया, सब लोगों की मेहनत है, जितने भी को आर्टिस्ट थे, जितने भी डांसर थे, जितने भी बच्चे साथ में लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा लगा।